नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तन्वी डॉट कॉम में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अंडे को निषेचित होने में यानी कि फर्टिलाइज होने में कितना टाइम लगता है, और पीरियड्स खत्म होने के बाद वो ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन कोई महिला 100% प्रेग्नेंट हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, उनको भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो महिलाओं के पीरियड साइकिल होते हैं वो होते हैं करीब 28 से लेकर के 30 दिन तक के। इसके अलावा कुछ एक महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके 24 दिन के, 26 दिन के, 35 दिन के, 40 दिन तक के भी पीरियड साइकिल होते हैं। लेकिन अगर हम एक एवरेज की बात करें तो ज़्यादातर महिलाओं के जो पीरियड साइकिल होते हैं वो करीब 28 दिन से लेकर के 30 दिन तक के होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनका जो ओवुलेशन पीरियड होता है वो उनके पीरियड्स के 14वें दिन से शुरू होता है। 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 5 दिन होते हैं, इन 5 दिनों में किसी भी दिन उनका जो है ओवुलेशन हो जाता है, और ओवुलेशन के दौरान उनकी ओवरी से एक अंडा तैयार होकर के बाहर ट्यूब में आता है, और वहाँ पे आने के बाद करीब वो 24 घंटे तक इंतज़ार करता है स्पर्म का। और अगर इस दौरान ये दोनों मिल जाते हैं तो एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है, और उसके बाद वही एग जा करके बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाता है और पूरे 9 महीने तक वहीं पे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और अगर उस दौरान इस एग को स्पर्म ना मिले तो ये 24 घंटे बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, और कुछ दिनों बाद जब पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स में ब्लीडिंग के रूप में ये बाहर आ जाता है। वहीं अगर हम स्पर्म की बात करें तो एक जो स्वस्थ पुरुष होता है उसके स्पर्म की एवरेज लाइफ होती है करीब 3 से लेकर के 4 दिन तक। इसके बाद इसको अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, और ये जो लंबा सफ़र होता है इसकी दूरी होती है करीब 6 इंच, और ये जो 6 इंच की दूरी है इसको पूरा तय करने में इसे करीब 1 से लेकर के 1.5 दिन का समय लग जाता है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि अगर आप एग्जैक्टली सही टाइम पर ट्राई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि महिला प्रेग्नेंट हो जाए। अब बात यह आती है कि वो एग्जैक्टली सही टाइम कौन सा है कि जहाँ पे 100% चांस रहते हैं किसी महिला के प्रेग्नेंट होने के। दोस्तों, वो टाइम होता है ओवुलेशन पीरियड का टाइम, और ओवुलेशन पीरियड का सही तरीके से पता लगाने के यहाँ पे आप लोगों को 3 तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि जब भी किसी महिला के पीरियड शुरू होते हैं तो पीरियड जिस दिन शुरू होता है उस दिन को पहला दिन मान करके गिनती शुरू करें, और पीरियड्स के 14वें दिन से लेकर के 14, 15, 16, 17, 18 ये जो 5 दिन आएंगे, इन 5 दिनों में अपने शरीर में होने वाले बदलावों पे खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला बदलाव होता है पेट में दर्द होना। ये पेट में जो दर्द होता है ये उस चीज़ की निशानी है कि फॉलिकल रप्चर हो रहा है, और फॉलिकल रप्चर होने के बाद उसमें से एग निकल कर के बाहर ट्यूब में आता है, और ये सबसे पहली पहचान है कि ओवुलेशन हो चुका है। इसके अलावा दूसरा जो बदलाव आएगा वो आएगा बॉडी टेम्परेचर में। बाकी दिनों में जो आपका बॉडी टेम्परेचर रहता है ओवुलेशन के दौरान वही बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके लिए आप चाहें तो थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं, और अगर वैसे भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा, हॉट फ्लशेस होने लग जाता है जैसे कि आँखों में गर्माहट महसूस होना, चेहरे पे गर्माहट महसूस होना, तो इसका मतलब ये है कि ओवुलेशन पीरियड हो चुका है, और इस दौरान आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो बदलाव आता है वो बहुत ही खास है, जो कि अधिकतर महिलाओं को इसके बारे में पता भी होता है क्योंकि ये सभी के साथ होता है, और ये होता है वाइट डिस्चार्ज होना। वैसे तो वाइट डिस्चार्ज जो है नॉर्मल दिनों में भी महिलाओं को होता है, लेकिन ये जो ओवुलेशन पीरियड के दौरान वाइट डिस्चार्ज होता है ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है कि ओवुलेशन पीरियड हो चुका है, और इस दौरान भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा जिन महिलाओं के पीरियड्स इररेगुलर हैं या फिर ज़्यादा दिनों में आते हैं या फिर कम दिनों में आते हैं, तो उनको भी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उनको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुने। उनको करना ये है कि जब उनके पीरियड शुरू होते हैं तो पीरियड्स के पहले दिन से सेम इसी तरीके से गिनती शुरू करनी है, और पीरियड्स के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक, ये जो बीच के 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में एक एक दिन छोड़ करके ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे उनका एग जो है जल्दी से जल्दी फर्टिलाइज हो जाए। अक्सर मेरे पास लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, वो अपनी पीरियड्स की डेट डाल करके पूछते हैं कि सर हमारा ओवुलेशन कब होगा, प्लीज़ बताएं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इतना पॉसिबल नहीं है कि एक एक सब्सक्राइबर को मैं पर्सनली बता पाऊँ। तो यहाँ पे जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया है, आप अगर इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आप अपने ओवुलेशन पीरियड को खुद ही पता लगा सकते हैं और प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।